आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। कोरोना की वैक्सीन को लेकर के उसकी साइड इफेक्ट्स की बातों को लेकर के पूरी दुनिया में इस समय में हंगामा मचा हुआ है कि उसके कारण खून के थक्के जम रहे हैं, डीवीटी हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोविड वैक्सीन के कारण। लेकिन हमने जब ये कोविड वैक्सीन आई थी, उसकी तैयारियाँ चल रही थी, उस समय में बहुत सारे वीडियो बना बना करके लोगों को सावधान करने की कोशिश की, सावधान रहिए, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, हमने उस समय में बताया था। लेकिन उस समय में सभी लोग बदहवास दौड़े जा रहे थे किस तरह से जल्दी मुझे वैक्सीन लग जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अब हंगामा करने का या अब उसके लिए टेंशन करने का कोई मतलब नहीं है। जो हो गया उसे भूलिए, और जो थक्के जम रहे हैं या किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स हैं तो उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, और बहुत सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूं। आप उनको ध्यान से सुनिए, उनको फॉलो करिए, आप हर प्रकार की मुसीबत से बच पाएंगे। कोशिश करिए और पूरा वीडियो एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है कि आप यदि आपको खतरा है कि मेरे कहीं शरीर में खून का थक्का ना जम जाए, या थक्का जम रहा है, या और कोई परेशानी हो रही है, तो कुछ बातें हैं जिनको लोहे की लकीर की तरह आप मान करके उनको 100% फॉलो करिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप चार अखरोट, कम से कम चार पूरे अखरोट नियमित डाइट का हिस्सा बनाइए। सवेरे सवेरे रात को भिगो दीजिए चार अखरोट के पीसेस, पूरे अखरोट के, और सवेरे मुनक्का के साथ में मुनक्का किशमिश भी भिगो दीजिए, मुनक्का किशमिश के साथ में खाइए। अखरोट खून को पतला करता है, ये सर्वविदित तथ्य है, ये साइंटिफिक वैल्यू है इसकी, ये हर कोई भी मानता है कि अखरोट खून को पतला करता है, पूरी विज्ञान मानता है। तो अखरोट खून को पतला करेगा, अखरोट का सेवन सवेरे सवेरे खाली पेट जरूर करिए। दूसरा, काली मिर्च का इंटेक, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि काली मिर्च का इंटेक अपने जीवन में बढ़ाइए, भोजन में बढ़ाइए, काली मिर्च का इंटेक नियमित रूप से लीजिए, क्योंकि काली मिर्च खून को पतला करती है, खून को साफ करती है, शरीर में खून का दौरा बढ़ाती है, जिससे ब्लॉकेज की संभावनाएं क्षीण हो जाती है। तो इसलिए काली मिर्च का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। काली मिर्च, सब्जी में काली मिर्च का उपयोग किया जा सकता है, सूप में काली मिर्च का उपयोग किया जा सकता है, रात को एक चम्मच घी में 5-6 काली मिर्च भिगो करके सुबह उसको चबा दें, ये भी हो सकता है। काली मिर्च का पानी, आप जैन, यदि आपके संपर्क में कोई भी जैन समाज के व्यक्ति हैं और आप इतर समाज से हैं, तो जैन समाज के व्यक्तियों से संपर्क करिए। तपस्या के बाद में वे लोग काली मिर्च का पानी, काली मिर्च की उकाली पीते हैं, तो आप भी काली मिर्च की उकाली उनसे सीख करके सेवन करें। कुछ भी नहीं करना है, एक ग्लास पानी में आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर बॉईल करें, अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद में उसको छान करके अलग रख दें। एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी रख करके और उसके अंदर उसका छौंक लगा दें, और थोड़ा सा गुड़ वगैरह या मिश्री वगैरह डाल करके उसका सेवन करें। तो काली मिर्च का पानी भी पी सकते हैं आप, दलिया, घाट, राबड़ी, सलाद, उसमें आप आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऊपर से भरका करके, ऊपर से डाल करके, और उसका सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से काली मिर्च का सेवन अपने जीवन में, अपने फूड में, अपने भोजन में बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से थोड़ा हल्दी का इंटेक भी बढ़ाइए, हल्दी भी खून को पतला करती है, साफ करती है, शरीर में खून का दौरा बढ़ाती है और शरीर की मार निकालती है, तो हल्दी का इंटेक भी बढ़ाएं। जो लोग ब्लॉकेज की समस्या से बचना चाहते हैं और कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं कि नहीं मैं और भी जल्दी से अपनी सारी परिस्थिति को रिकवर करूं, या ऑलरेडी जो ब्लॉकेज की समस्या से पीड़ित हैं, वे लोग सात चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनका एक मिश्रण बना लें और उसकी 10-10 ग्राम की पुड़िया बना लें, जो सात चीजों का मिश्रण मैं बता रहा हूं उसकी, और सवेरे सवेरे खाली पेट
उसको गुनगुने पानी के साथ लेना है। इसमें 10 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम तेज पत्ता, 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अलसी, फ्लैक्स सीड्स, इनको सबको अलग अलग पीसना है। सबको एक साथ पीसने की कोशिश करेंगे तो वो तेल छूटेगा और लुक भी बन जाएगा। सबको अलग अलग पीसना है, किसी को भी सेकना नहीं है, कुछ और नहीं करना है। सबको अलग अलग पीस करके और सबको मिक्स कर दें, एक पाउडर बना दें। ये 610 ग्राम हुआ टोटल, ठीक है। इसको आप जो है 10-10 ग्राम की पुड़िया बना दें, ये 61 डेज चलेगी, यानी 2 महीना। तो सवेरे सवेरे खाली पेट एक पुड़िया ली, दो घूंटे गुनगुना पानी पिया, आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। इस प्रकार से ये चीज आपके शरीर में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज है तो उसको दूर करेगी और आपको स्वस्थ रखेगी। खाने में इंद्रधनुष के सातों रंग और जीव को पता चलने वाले 6 स्वाद है ना, खट्टा मीठा कसेला कड़वा, सारा सभी प्रकार के स्वाद जो है उसमें शामिल करिए। और चीनी और सफेद चावल से परहेज करिए। चोकर वाला आटा, उसकी चपाती बनाएं या जौ की रोटी खाएं। जौ सबसे बढ़िया है, जौ सब अनाजों का राजा है। जौ पर हमारा पूरा वीडियो है, उसको आप ध्यान से देखिए सुनिए, उसमें हमने जौ के बहुत सारे फायदे बता रखे हैं। यानी इवन यहाँ तक कि किडनी के अंदर जो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है उसको भी जौ के माध्यम से, जौ के पानी के माध्यम से डाउन किया जा सकता है, वो किडनियों को स्वस्थ किया जा सकता है। एक बात की और सावधानी रखें, चावल की डिश, पालक, आलू, चुकंदर, मशरूम की सब्जियां आदि दोबारा गर्म करके खाने और तेल को बार बार गर्म करके और बनाई गई चीजें खाने से आप परहेज करें, क्योंकि उनसे हार्ट और कैंसर सहित कई रोगों के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की सब्जियों को जो है दोबारा गर्म नहीं करना है। और तली गली चीजें, स्पाइसी चीजें ज्यादा नहीं खानी है, उनको अवॉइड करिए। तो मोटापा खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप जो है नियमित रूप से 80 मिनट वॉक करें, जिसमें आधा समय ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। किसी को अचानक कार्डियक अरेस्ट हो तो उस समय में रोना धोना करने के बजाय उसको CPR दीजिए, है ना। CPR देने का तरीका भी हमने हार्ट के एक वीडियो में सारा सिखाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखिए और CPR दीजिए। हार्ट को पंप करिए, है ना, छाती पर यहाँ पर दबाव बना करके, और 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार पंप करिए और 1 इंच से 2 इंच तक आपका हाथ अंदर घुसे, कहीं पर भी ब्लॉकेज वगैरह नहीं रहे, उसके लिए एक एक्सरसाइज करिए। ये बराबर करते रहें, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये 10-20 बार रोज सवेरे सवेरे उठ करके कर लिया करिए, ताकि कहीं पर भी वो खून का मामूली सा जम रहा होगा तो वो बिखर जाएगा झटके से। मैंने जो ये खाने पीने की चीजें बताई है, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं साहब गरीब आदमी कहाँ से लाए, तो गरीबी का रोना मत रोइए आप। ये दवाइयां हैं, दवाइयों के लिए भी गरीब आदमी पैसा खर्च करता है, तो ये दवाइयां हैं, दवाइयों के रूप में इसका इस्तेमाल करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी जो है उसको हार्ट अटैक नहीं होता प्रायः करके, ये ध्यान रखिए, उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो मजदूर है, मेहनत कश है, बहुत मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है, तो उस कठोर परिश्रम करने वाले को प्रायः करके हार्ट अटैक नहीं होता है। जितना भी हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, आप उठा करके देख लीजिए, मध्यम वर्गीय परिवार या उच्च वर्गीय परिवार के लोग हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो आरामदायक है, सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, ज्यादा श्रम साध्य नहीं है, बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ करके काम करेंगे, खूब काम करेंगे, खूब सीटिंग करेंगे, वो मेहनत खूब है, लेकिन शारीरिक श्रम उतना नहीं होता। इस कारण से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को है। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड, रेडीमेड आटा, मैदे की चीजें और तली गली चीजों को जितना अधिक से अधिक अवॉइड कर सकते हैं करिए, 100% अवॉइड करने की कोशिश करिए। इसके अलावा हमारे जो कुछ वीडियोस हैं, हमने एक कमाल की रोटियों का वीडियो बनाया है,
कमाल की रोटियां जो रोग मिटाए वो वीडियो देखिए, उस वीडियो को फॉलो करिए। वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसी तरह से हमने एक दूध में पाउडर बॉइल करके पीने के लिए बताया है। रोज रात को दूध में वो पाउडर जो शक्तिवर्धक है, शक्तिवर्धक पाउडर है, कमाल का पाउडर नाम से वीडियो है, कमाल का शक्तिवर्धक पाउडर, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो वो भी आप देखिए और उसको फॉलो करिए। इसी तरह से कमाल का पानी, पानी एक फायदे नो, ये भी जरूर देखिए और सवेरे सवेरे वो पानी पीजिए ताकि आप जो है कई बीमारियों से बचेंगे। हमारा कमाल का सूप का वीडियो बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, मैं बहुत जोर दे करके कह रहा हूँ। जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ेगी उससे, बच्चों से लेकर के वृद्धों तक सभी के लिए बहुत उपयोगी है। एक एक शब्द उस वीडियो का बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो बताया है हर इंग्रेडिएंट के बारे में कि इस वीडियो इस सूप में मैं ये इंग्रेडिएंट क्यों डलवा रहा हूँ, उसकी क्या साइंटिफिक वैल्यू है, पूरा का पूरा महत्व मैंने उसका समझाया है। आधे घंटे का वीडियो है, लेकिन यदि आप परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर से पूरा सुनिए। और 3 दिन का सूप एक साथ बना सकते हैं, रोज का रोज ताजा नहीं बनेगा, तो 3 दिन का सूप एक साथ बना सकते हैं। फेफड़ों की मजबूती के लिए ये सूप रामबाण है। जो लोग अस्थमा के शिकार हैं, जिन लोगों को निमोनिया हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, कफ होता है, उन लोगों के लिए ये जो है सूप बहुत रामबाण है। और जिन्होंने जिनको भी कोरोना हुआ है उन लोगों को भी ये सूप जरूर पीना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट लंग्स पे डाला है। इसी तरह से कमाल की चटनी का एक हमारा वीडियो है, वो जरूर देखिए। वो लाजवाब चटनी इतनी स्वादिष्ट है और शुगर, थायराइड, मोटापा, इन सब के लिए वो चटनी बहुत रामबाण है और बहुत टेस्टी है। तो ज़रूर उसका भी वीडियो देखिए और उसको भी फॉलो करिए। इसी तरह से कमाल का तेल जो हमारा है, जो हमने बनाया है, और उसके हमने फॉर्मूला भी शेयर किया है, क्योंकि हम कोरियर नहीं करते, ये मेरा व्यापार नहीं है। यहाँ उदयपुर में जो भी लोग हैं लागत मूल्य में ले जा सकते हैं, और बाहर के लोग भी उनके उदयपुर में कोई सूत्र हैं तो उनके माध्यम से मंगा सकते हैं। पार्किंसंस, लकवा, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मोच, चोट आदि का दर्द, वेरिगोज वेंस, DVT जिसके लिए बात की जा रही है, डीप वेन थ्रम्बोसिस, पाँव में खिंचाव, साइटिका का दर्द, मसल्स में खिंचाव हो या कहीं खून जमा, कमाल का तेल लगाइए और तुरंत आराम पाइए। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो इस तरह से आप इन सारे वीडियोस को फॉलो करिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब भी लोगों को जागरूक करने में मेरी मदद करिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जब मैंने कोविड वैक्सीन के लिए चेताया तब भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, और अब भी मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। आप माने लाख, नहीं माने 1.25 लाख, लेकिन यदि आप मानेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, लोगों का भला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो आपको बहुत पुण्य का लाभ मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।